तो भाई शिवम भाई का मेडिकल मिल चुका है, तो ये शिवम मेडिकल स्टोर है तुम्हारा ही है ना? अरे नहीं, मेरा अरे नहीं तुम्हारा है, नहीं है नाम ढंग से बोलो तो नहीं, वीडियो चल रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज की सुबह हो चुकी है और हम निकलने वाले हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और आपको दिखाएंगे सुबह सुबह का फतेहपुर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं 50 नंबर गेट, तो इधर साइड क्रॉसिंग है, पीछे आई ट्रेन और हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और हमारे साथ शिवम है, ये भी जाएगा। तो ये पीछे देखो ट्रेन आ रही है, मॉर्निंग वॉक की ड्रेस। फतेहपुर रेलवे स्टेशन, तो गाइस अभी हम रेलवे स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं। तो पीछे आप देख रहे हैं ये फतेहपुर रेलवे स्टेशन है और इसी तरह हम पैदल आगे निकल रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। पीछे हमें पैर में धक्का लगा, हमारे नीलकुरी जी के राजा जग्गर है तो जाकर दवाई खाएगा। तो गाइस टहलते टहलते हम लोग पहुंच गए हरियरगंज के आगे रेल बाजार, तो इधर ही साइड है हम और जो हम जा रहे हैं, तो यहीं कहीं फिजिकल करेंगे। क्या करोगे फिजिकल में? दौड़ोगे? थोड़ा फिजिकल कर लिया जाए, थोड़ा रेस लगा लिया जाए, शरीर थोड़ा फिट हो धीरे धीरे। तो गाइस हम रनिंग कर चुके हैं और स्ट्रेचिंग भी कर चुके हैं, तो दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और आपको फतेहपुर दिखाएंगे सुबह का नज़ारा फतेहपुर का। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज, तो ये पीछे आप स्कूल देख रहे हैं, एक रघुवंशपुरम में है और एक ये हरियरगंज के पास है। तो अभी हम हरियरगंज वाले के पास हैं, तो ये पीछे आप देख रहे हैं ये स्कूल है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए कलेक्टरगंज, तो पीछे आप देख रहे हैं ये इंडिया मार्ट है और इधर राज फैशन है और वहाँ से हम लोग पैदल पैदल आए हैं पदयात्रा में, बहुत मेहनत लगी थी और अंदर अंदर इतनी गली थी पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पे कौन सी गली है, तो गूगल मैप को भी थोड़ा सहारा लिया, तो आखिरकार पहुँच गए हम लोग कलेक्टरगंज। अब इधर साइड जाएंगे वर्मा चौराहे और फिर उधर से पटेल नगर होते हुए अपने घर की तरफ जाएंगे। मजबूर जैसा पहुंच गए वर्मा चौराहे, तो ये इधर साइड ओप्पो खालसा की दुकान है, मोबाइल की सबसे बड़ी दुकान, इधर ये चौराहा है, आगे देखेंगे महिंद्रा कॉन्टिनेंटल मिल जाएगा। तुम क्या बोल रहे थे? तुम क्या बोल रहे थे? खालसा यही है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अब आईटीआई रोड वर्मा चौराहे क्रॉस कर चुके हैं, तो इधर साइड आप देख रहे हैं ये अजय स्वीट हाउस है और इधर ही से अब जाएंगे पटेल नगर पैदल पग यात्रा में और आईटीआई भी आपको दिखाएंगे, आगे आईटीआई है। यहाँ टहलने जाते हैं क्या लोग? वो टहलने आते हैं क्या? हाँ डेली हम खुद आ रहे थे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं आईटीआई, ये आप देख रहे हैं ये आईटीआई है गवर्नमेंट आईटीआई और इधर साइड देखेंगे तो ये इधर पेमेंट शॉप है और यहाँ से हम जाएंगे अभी पटेल नगर। तो
दोस्तों हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये पटेल नगर चौराहा है, तो यहाँ से हम क्रॉस हो चुके हैं, अब जा रहे हैं शादीपुर। कैसा लग रहा है यार तुम्हें इतनी दूर से आते हुए? बहुत लंबा सफर था, कम से कम नहीं तो हमने 5-6 किलोमीटर कवर किया पैदल। बहुत दिन बाद तो निकले हैं ना, बहुत पैदल बाद निकले हैं और काफी मजा भी आया है, और सोच रहा है आप लोगों को पूरा फतेहपुर भी घुमा दिया इसी बहाने में, और हमारी फिजिकल भी हो चुकी है। पेट कम होगा कि नहीं एक दिन में? शायद एक दिन में नहीं होगा। जिम वाला हाल है, एक दिन जाके बॉडी दिखती है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं शादीपुर चौराहा, तो इधर साइड देख रहे हैं ये द्विवेदी रेस्टोरेंट होटल है, और तो यहाँ कुछ खास है नहीं, बस चौराहा है। सामने जाएंगे 50 नंबर गेट, और इधर चलते और इधर जाएंगे तो रेलवे स्टेशन। किधर ये रोड गई है? ये नासिक फिर क्लियर रोड गई है, और ये गई है लक्ष्मी चौराहा।